सबसे पहले देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और टाइफा हर साल हो रहा है, आप लोगों का आशीर्वाद है, सक्सेस की तरफ बढ़ रहा है, बहुत सारे सितारों को ऑनर किया जा रहा है और आप सब लोगों का बहुत आभारी हूँ। और बड़े बड़े सितारे इस बार आ रहे हैं, उदित नारायण जी आ रहे हैं और भाग्यश्री आ रही हैं और सरस्वती कपूर साहब भूषण बहुत लोग और मीडिया का सपोर्ट है, सफलता के साथ बहुत अच्छा आयोजन है और इसी के साथ 2019 विदाई की तरफ है, तो मैं अपने देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अरे मेरे से ले लेंगे भाई, अरे भाई कहाँ पे खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो, सर साल का आखिरी अवार्ड है ये कह सकते हैं जी, साल का ये आखिरी अवार्ड है, हर साल होता रहे ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। टाइफा शमीम भाई, उनसे जुड़ी हुई पूरी टीम को ढेरों शुभकामनाएं, बधाई, विशिंग फॉर मोर एंड मोर सक्सेस टू द अवार्ड एंड एवरीबॉडी इन्वॉल्व विद इट, थैंक यू वेरी मच। साल और अच्छा होगा एंड होपिंग फॉर मोर ऑफ दिस, आई वांट टू से थैंक यू टाइफा फॉर दिस। अच्छा लगता है जानने के लिए कि लोग अप्रिशिएट करते हैं आपका काम, सो फीलिंग वेरी ऑनर्ड, थैंक यू सो मच। उम्मीद कर रही हूँ कि 2020-2019 से बहुत अच्छा हो। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि साल बहुत अच्छा जाएगा। शो आ रहा है सोनी पर, इट्स कॉल्ड इंडियाज बेस्ट डांसर, तो जरूर देखेगा। रेमो सर से सबकी हैं और हम सिर्फ शुभकामनाएं देंगे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्ट्रीट डांसर, होपिंग इट्स गोइंग बी अ ग्रेट फिल्म वंस अगेन। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी प्रॉस्परस सक्सेसफुल हेल्दी पीसफुल एंड लविंग न्यू ईयर, हैप्पी 2020, थैंक यू गाइस। एक्सट्रीमली हैप्पी गेटिंग दिस टाइफा अवार्ड फॉर द बेस्ट सिंगर फॉर माय सॉन्ग तेरा बन जाऊंगा। I'm actually blessed. 2 weeks back, I got Starscreen Awards for the same song as the best music composer, and right now I'm getting the best singer. So I'm actually honored, and I'll see you soon next year with another award. Thank you. Yeah. But there's so much noise here. Saath chhodunga na tere.
अवार्ड ये दिया जा रहा है और मैं जूरीज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने सही लोगों को, जितने भी मैंने आर्टिस्ट देखे, ऑल लेजेंडरी आर्टिस्ट वर देयर एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर टुनाइट एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू रिसीव दिस अवार्ड एंड आई लव दिस अवार्ड एंड 2019 जाते जाते हम लोगों को इतनी खुशियाँ दिया दे के जा रही है एंड आई एम वेरी वेरी गिविंग माई हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दिस 100 फ्लिक्स दे आर लॉन्चिंग टूडे टुनाइट and all my good wishes to them and wish you all of you happy new year and lots of love. My favorite is jaane jaana. ये एक टाइफा अवार्ड्स को बहुत बहुत मुबारक. मैं इनके साथ पहले अवार्ड ईयर के साथ जुड़ी हूँ जब अवार्ड ये दिल्ली में करते थे. दिस इज़ लाइक फैमिली टू मी और मैं उम्मीद करती हूँ, उम्मीद क्या, मैं देख रही हूँ कि हर साल ये और भी बड़ा होता जा रहा है और एक टाइम आएगा जब बाकी जो पॉपुलर अवार्ड्स हैं उसके साथ साथ हमारा टाइफा अवार्ड्स भी एकदम टॉप पे होगा और हम भी दुबई जाएंगे. जैसे कि मैं शमीम भाई को हर साल बोलती हूँ कि इस बार दुबई चलेंगे. तो ऑल माय बेस्ट विशेस टू. हेलो एवरीवन, आई एम सुगंधा मिश्रा और ये ट्रॉफी फाइनली मुझे एक और मेरी ट्रॉफीज में शामिल हो गई है, 8th टाइफा अवार्ड. सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड. कोई भी ट्रॉफी अवार्ड मिलता है तो दिल से खुशी होती है कि हाँ आपके काम को सराहा जा रहा है. सो आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू एवरी वन ऑफ यू, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू एंड स्पेशली टू शमीम जी जिन्होंने इस अवार्ड के काबिल समझा मुझे. थैंक यू. देखिए ये माइक्स और ये अवार्ड दोनों एक ही लेवल के हैं. इनकी वजह से ये मिलता है और इनकी वजह से ये मिलता है. मैं आप दोनों को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और आपको भी कहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ लव. और आप सभी के प्यार ने ये अवार्ड दिलाया है. आप सभी के प्यार से ही बाकी अवार्ड भी मिलते हैं और मिलते रहेंगे. और आप यही चाहिए कि मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले और मैं आपको इसी तरह एंटरटेन करता रहूँ. दिस इज डॉक्टर संकेत भोसले. आई ऑलवेज बी इन लाइक इन लव टू एंटरटेन यू एंड आई विल ऑलवेज एंटरटेन यू. थैंक यू. बाबा की बात पे बोलूँगा कि आप लोग प्लीज़ अपने, आपका और अपने घर वालों का और सबका ख्याल रखें. लिव हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ. थैंक यू. थैंक यू. ये बहुत ही कमाल का इवेंट है जहाँ पे जैसे ही सेलिब्रिटीज एंटर होते हैं बिगुल के साथ उनका स्वागत होता है. बड़ा ही अच्छा सा इवेंट है. टीफा अवार्ड जहाँ पे मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, आई एम रियली थैंकफुल टू देम. ये बड़ी चकाचौंध वाली संध्या है जहाँ पे यस्टर ईयर्स के और अभी के बहुत बड़े बड़े स्टार्स मौजूद हैं जिनकी इनफैक्ट मैं भी इनमें से कई लोगों की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ. सो आई एम रियली हैप्पी बीइंग अ पार्ट ऑफ इट. मुझे अवार्ड शोज़ खास करके इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वहाँ लोगों से मिलने का मौका मिलता है, जो कि अदरवाइज़ हम लोग जब काम करते रहते हैं तो हम लोगों से नहीं मिल पाते, अपने दोस्तों से नहीं मिल पाते. आई जस्ट मेट हिम ना फॉर एग्जांपल. सो या इट्स प्लेजर मीट कमिंग फॉर सच अवार्ड शोज एंड मीटिंग पीपल. विशिंग यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर. नमस्कार, मैं हूँ आपकी दिव्यांका त्रिपाठी. दहिया आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं. वेल कुशल, इट वॉज शॉकिंग फॉर ऑल ऑफ अस. मैं क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ये जो उन्होंने कदम उठाया ये ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सबके लिए दुखद ही होता है, आपके दोस्तों के लिए, परिवारजनों के लिए जो आपके साथ जुड़े हैं, आपसे रोज़ाना बात करते हैं, आपके साथ काम किया है. तो मैं अपने सहकलाकारों से, उन सबसे ये गुजारिश करना चाहूँगी, आप जो लोग भी फिलहाल ये न्यूज़ बाइट देख रहे हैं, कि कभी कोई तकलीफ़ हो, आपको डिप्रेशन हो रहा हो, प्लीज़ बात करो. ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी, आपके लोगों के लिए. सो प्लीज़ डोंट एंड इट लाइक दैट. एंड खुशहाल इज़
he was very precious to us. It's a very big loss to the industry. I would like to thank them. Thank you so much for the honor. And अच्छा लगता है, as I always say, जब आपके काम को appreciate किया जाता है. And I thank the TIFA Awards. And at the same time, I think we all should make an effort and you know thank the organizers जो हर साल ये award organize करते हैं. They bring all the talent together under one roof and from different walks of life and felicitate them, award them and give them their due credit. So I thank you. Well, I have a lot of projects coming in. My film is releasing, my web digital show is releasing, then I have some other things as well. So there's a lot to look up to. Well, Happy New Year to all of you. नए साल का, I mean 2019 का शायद ये आखिरी अवार्ड है. In fact, I'm sure आखिरी अवार्ड है. So अच्छी, you know, अच्छा एक अंत हुआ है 2019 का खुशियों के साथ. And I am looking forward to welcome 2020. Just like my post, honey. See you. ये है मोस्ट पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस ऑफ द ईयर. थैंक यू. बाय बेबी. बाय बाय. सी यू. एक्चुअली हम जस्ट अभी ही मिले हैं. इससे पहले मौका नहीं मिला था मिलने का. तो हाँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव रिसीव्ड दिस अवार्ड. और आई थिंक ईयर के एंड में इफ देयर इज अ ट्रॉफी इन योर हैंड, आई थिंक इट्स द बेस्ट वे टू एंड द ईयर. एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू फॉर योर अनकंडीशनल यू नो लव एंड सपोर्ट. एंड थैंक यू सो मच. ऑनेस्टली 2019 से भी कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, बट 2019 वॉज ब्यूटिफुल. इट वॉज अमेजिंग फॉर मी प्रोफेशनली, पर्सनली. एंड 2020 में भी बस यही रहेगा कि मुझे अपने आप का बेटर वर्जन बनना है. आई वॉन्ट टू यू नो लाइक डू माई बेस्ट. अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू. तो ही स्पेंड योर फी फिर भी. थैंक यू. मुझे मिला है मोस्ट पॉपुलर फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड. और मुझे मिला है मोस्ट पॉपुलर चाइल्ड आर्टिस्ट ऑफ द ईयर. मिलते हैं अब अवार्ड शोज में तो बहुत अच्छा लगता है. और इतने नए नए टाइटल्स में अवार्ड मिल रहा है तो ऑफकोर्स दिस मीन्स अ लॉट टू अस. एंड वी जस्ट होप कि ये सिलसिला अगले साल और उसके आगे वाले साल भी चलता रहे. एक्सपेक्टेशंस तो है कि बस जितना प्यार मिल रहा है उतना मिलता रहे, लोग जितना प्यार दे रहे हैं उतना देते रहे आने वाले साल में भी, और ये प्यार बस बढ़े. और बस ऐसे ही हम लोगों को एंटरटेन करते रहें और लोग हमें पसंद करते रहें. आई हैव सो मच टू दैट. मैं एक्चुअली क्या होता है ना, कई बार ही चीज़ें डिले हो जाती हैं. तो पहले ये होने वाली थी कि जैसे न्यू ईयर आएगा वैसे अनाउंस कर देंगे. अब थोड़ा थोड़ा सा डिले. Hello, nice to see you. Nice to see a familiar face. Sir, Unnis, बहुत अच्छा था माशाल्लाह. It's been a beautiful journey. My sister got married this year, so this year personally has been a very, very
extraordinary for me. Unki shaadi shuru hui thi 31st pe humne unki haldi thi. So the entire year went by like that. To ye pura saal personally bahut acha tha, professionally too. Ye rishta has done mashallah very well, as it has always since the last past 11 years now. And bahut jald 11 saal complete ho jayenge show ke, hamare 1000 episodes hue. So very excited. It's really extraordinary. Yeah. I think they're giving me best actor koi category mein, and I'm very happy about it. Thank you to the Indian Icon Film Awards. I don't know these guys much, but when they told me, it felt nice. A new decade is going to start. Sirf ek naya saal nahi, ek naya decade shuru hone ja raha hai. Aur 2010s has been beautiful for the entire film fraternity, and inshallah 2020s bhi वैसे ही जाए. और big shows coming up, big twists coming up in our show. So all the very best for television and films alike. And may 2020 be great for everyone. Yeah, have Merry Christmas, जिन जिन का Christmas अच्छा हुआ. हाँ, मैंने सुना उनके बारे में. मैं पर्सनली नहीं जानता उनको, बट मेरी सोल रेस्ट इन पीस. मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा, मैं जानता नहीं था उन्हें. बट जैसे ही पता चला तो सब वही बात कर रहे थे, ऐसा हुआ है. एंड अल्लाह ना करे कि कोई भी ये कदम उठाए दोबारा, या लग रही उनकी फैमिली को वो हौसला मिले कि दे फाइट दिस डिप्रेशन नाउ इंशाल्लाह. नहीं है ओके. सबसे पहले तो गुड इवनिंग सबको. अनसोइल भाई, थैंक यू सो मच, बहुत दिनों बाद मिले. टाइफा के लिए आई एम वेरी हैप्पी. यू नो, दिस इज माय फर्स्ट अवार्ड इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री. आज तक मुझे पूरे अवार्ड से, मतलब जितने भी अवार्ड्स मिले वो वर्ल्ड वाइड मिले हैं. एज अ बेस्ट लीड एक्ट्रेस फॉर माई फिल्म सांकल एंड माई अपकमिंग फिल्म मिडनाइट एरर, बट दिस इज फर्स्ट टाइम. थैंक यू सो मच शिफा, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू. आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड Happy New Year. 2020 is coming. Something is going to happen very soon, very nice, very big. Any question more? How confident are you with that? 2020, very positively. I'm very confident. Obviously, I always believe in positivity. So yeah, I'm very positive about 2020. Anything? Photos. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया टाइफा का, बिकॉज एक खुशी के साथ साथ एक एक्साइटमेंट भी है, और अवार्ड मिलना अपने आप में एक जिम्मेदारी होती है, अपने काम को और निखारने के लिए एक चेतावनी होती है. तो क्या बोलूँगा, ये एडिट कर देंगे आप, ये रहेगा. आई एम वेरी थैंकफुल टू आई टाइफा, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया है आज मेरे सॉन्ग्स के लिए, दरिया के लिए. तो आई एम फीलिंग वेरी गुड एंड हैप्पी. काफ़ी है ना? थैंक यू सो मच. दैट्स माय डॉटर. नाइस टू सी यू. सबसे पहले तो मैं शमीम भाई और उनके टीम को 8वां ताइफा अवार्ड्स के लिए मुबारकबाद देता हूँ, और मुझे भी आज अवार्ड मिला है तो मैं थैंक्स देता हूँ उनको. और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शमीम भाई, और आने वाले वक्त में भी वो बहुत अच्छा करेंगे. मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं उनके साथ. आज इस मौके पर क्या कहोगे अपने लिए? बस आप लोग इतने सालों से मुझे प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, आपका उदित नारायण कयामत से कयामत तक चलता रहे, ये आप आशीर्वाद हैं. उदित जी, मैंने आपकी पिक्चर जब मैं इतनी छोटी थी तब देखी थी. अभी भी छोटी है.
and I loved your voice. Oh, thank you so much. Congratulations. But today you look very different. Thank you. हाँ, थोड़े change लग रहे हैं आप. मतलब हो सकता है शायद dress से करें. सर आप इस तरह आ जाइए. जब से हुआ तेरे नजदीक है दिल के मोहल्ले में सब ठीक है, जरा सा किताबों में गम ध्यान है, ज्यादा तेरे ख्यालों में है. क्या बात है. तुझसे जो मिलके मजा है कहा वो गणित के. आप सभी लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं. विशिंग यू ऑल ए वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर. जी मुझे सबसे पहले दिस इज प्रियांशी, प्रियांशी नागपाल. आप सबको हम दोनों की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस और मैरी क्रिसमस. बहुत सारा प्यार, इतनी सारी प्रेस और इतना सारा प्यार, सो बहुत बहुत धन्यवाद. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, टीफा. टीफा पिछले 8 साल से हो रहा है और मैं बहुत खुश हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में कुछ अलग स्ट्रीम भी होता है जहाँ पर अलग टैलेंट्स को सराहा जाता है, अवार्ड्स दिए जाते हैं और उनको सेलिब्रेट किया जाता है. थैंक यू. टीफा अवार्ड चाहे वो 100 फ्लेक्स हो या कुछ भी हो, लेकिन इसका पौधा तो हम ही ने लगाया है. यस, पहला शो अरुण बख्शी वॉज देयर, सेकंड शो अरुण बख्शी वॉज देयर. आई एम ऑलवेज विद माय फ्रेंड्स एंड शमीम इज अ वंडरफुल मैन. उसने अपने शो को बहुत बड़ा किया. आई एम सो हैप्पी, आई एम सो वेरी हैप्पी. और आप जैसे अच्छे अच्छे दोस्तों से मुलाकात होती है, और क्या बच्चे की जान लेंगे क्या यार, इतने पहले पहले दोस्तों से मुलाकात होती है. और मेरा मुंडा, मुस्कुराता हुआ मुंडा, ही इज अनदर डार्लिंग ऑफ ए पर्सन. Yes, I appreciate. God bless the show. ये महफिलें ऐसी ही चलती रहे और अवार्ड्स लोगों को मिलते रहे, उससे क्या कलाकारों को एक खुशी मिलती है, एनकरेजमेंट मिलती है. कहाँ, कौन से माइक पे बोलूँ, यही ये वाला. ये महफिलें चलती रहे और शो चलते रहे और अवार्ड फंक्शन होता रहे, उसकी खूबसूरती ये है तो जो कलाकार हैं, वो जो टूटे हुए कलाकार हैं, वो जुड़ जाते हैं. चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, हंसी आती है, प्यार आता है, इश्क आता है. मेरी नई एल्बम रिलीज हुई है, उसका नाम है दिलबर. दिलबर वीनस की है. उसका म्यूजिक भी मैंने दिया है, उसको गाया भी है मैंने, और मेरे साथ वो बड़ी खूबसूरत लड़की है. दैट इज अ वंडरफुल एक्टर ऑल्सो, यस, सानिया सिंह. एंड माई डायरेक्टर इज पवार, मंगेश पवार. एल्बम को ब्लेस कीजिएगा और ऐसे ही शो चलता रहे. मुझे लगता है कि मेरी एल्बम में आप सब लोग आएंगे, जल्द आएंगे, डेफिनेटली आएंगे. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू मुंडे, गॉड ब्लेस, कीप स्माइलिंग, लव यू, लव यू. किसी में से आवाज आती है, बाकी किसी में से आवाज नहीं आती. हेलो चाली बल्सा. आई एम थैंकफुल टू टाइफा के उन्होंने हम जैसे कोरियोग्राफर को रिकग्नाइज किया एंड काम आई इस इंडस्ट्री के, इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं. थैंक यू. 2019 कैसा रहा, 2020 से किस तरह की उम्मीदें रखी? 2019 तो बहुत अच्छा रहा, 2020 में और डांसेस खराब नहीं होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए. Very nice. I have certain artists. I'm training them. आपकी एकेडमी में और क्या है, आगे क्या करना है, what's happening? अब ये तो नहीं मालूम फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन उम्मीद बहुत बड़ी है. आपकी तरफ से सभी दर्शकों को नए साल, आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर. शुभकामना देना चाहूँगी और मेरी जो आज की परफॉर्मेंस थी वो ट्रिब्यूट टू वेरी थ्री
टैलेंटेड लेजेंडरी एक्ट्रेसेस मीना कुमारी जी, मधुबाला जी, अमरीका जी. सो बहुत ही मज़ा आया. मैंने क्लासिकल किया, समथिंग डिफरेंट फॉर मी, बट बहुत बहुत अच्छा रहा. सो या आई एम रियली एंजॉयिंग इट. FIFA Awards का ये आठवां साल है. आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड गिव द अवार्ड्स टू द टैलेंटेड पीपल ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योर्स. और शमीम भाई बहुत अच्छे इंसान है और उनके साथ काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ. मैं पहले भी उनके थर्ड या फोर्थ फंक्शन में आया था. नाइस पर्सन, नाइस अवार्ड, जेन्युइन पीपल, यू आर जस्ट कनेक्टेड विद देम. And yes, wishing everybody a very, very happy 2020. Nutan Varsh ki shubhkamnaye. समीर जी बहुत अच्छे इंसान है और मेरे उनके साथ बहुत बरसों से दोस्ती है. और मुझे इतना बड़ा आज मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, इसके लिए मैं मीडिया का, गोड का, प्रोड्यूसर, फिल्म और जितने भी है, 100 में से 99 मूवीज राइट करती है. उसके सिवा सीरियल, एल्बम, OTT प्लेटफॉर्म, वेब सीरीज सब में ब्राइट एक हिस्सा है. तो भगवान ने ये मुझे मौका दिया और इतना अच्छा अवार्ड दिया और ऐसे मुझे टोटल 5000 टाइम अवार्ड और प्लेटफॉर्म और स्टेज पर सर्विसेज मुझे मिला है. तो मुझे बहुत खुशी है कि इस लायक मुझे मिल गया. अपना होर्डिंग भी बढ़ रहा है और तीन नए धंधे भी हम लोग कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग सोशल काम बहुत कर रहे हैं NGO का, जो हमारी फ्री डायलिसिस हॉस्पिटल है, गरीब लोग के लिए अनाज का, खाने का, मेडिकल एजुकेशन, हेल्थ के सिवा. हम 2020 में तीन नए धंधे कर रहे हैं, जो एक माई मीटिंग करके एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें आप एनीवेयर एनी थिंग और कुछ भी आपको मीटिंग के लिए स्पेस चाहिए तो आपको स्पेस मिलेगा ऑनलाइन मोबाइल पे. जैसे आजकल डिजिटल का जमाना है तो हम लोग माई मीटिंग करके एक नया ऐप चालू कर रहे हैं. दूसरा, बॉलीवुड के लायक सेलिब बेस करके नया एक काम चालू करें, जो कैनेडा से मैं टाइप किया, कैनेडा की कंपनी से, जिसमें सेलिब्रिटीज सिलेक्शन रहेंगे, वो सबको बेस करेंगे, बर्थडे का, मैरिज एनिवर्सरी का और कुछ भी धंधे का, क्रिसमस का, दिवाली का, वो बेसिस का नॉमिनल चार्ज लेगा और वो चार्ज पे सब उनके फैंस ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी रहेंगे वर्ल्ड में. अभी हॉलीवुड में भी बहुत चल रहा है धंधा सेलिब बेस का, वो काम हम प्राइवेट अभी मुंबई में करने जा रहा है, इंडिया में करने जा रहा है. और तीसरा, बॉम्ब TV थिएटर भी जल्दी मेरे एक ऑफिस के वहाँ आ रहा है. तीन नए धंधे 2020 में और सभी को ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर और ब्राइट फ्यूचर. और आज जितने भी जन को अवार्ड मिला है सबको डॉक्टर योगेश अगानी मेरी ओर से ब्राइट की ओर से शुभकामना एंड कॉन्ग्रेचुलेशन. अभी तक तो सबसे बात तो मेरिट पे अवार्ड मिला है, अवार्ड मिला है, अभी आगे बात होगी. हमारी कोशिश चल रही है और आप सब लोगों का सपोर्ट मिल रहा है. हिंदुस्तानी सिनेमा में मेरी जो कोशिश थी कि वो सितारे जिन्होंने हिंदी सिनेमा को अपना बहुत सारा समय दिया और वो कहीं ना कहीं नहीं दिखते थे, टाइफा ने उसमें एक अध्याय जोड़ा, एक सब्जेक्ट प्लस किया कि जो कल के सितारे हैं उनको भी ऑनर किया जाए. जो आज के सितारे चमक रहे वो तो है ही हैं. वही संगम आज यहाँ देखने को मिला कि दोनों तरह के सितारे यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने कल की दुनिया में अपने बॉलीवुड को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया था. और आज के वो सितारे जो अपनी मेहनत से आगे तेजी से बढ़ रहे थे, उन दोनों का यहाँ सम्मान किया गया. और आप सब लोगों का सपोर्ट रहा है तो हम आहिस्ता आहिस्ता आगे की मंजिलें तय कर रहे हैं. बेस्ट डायरेक्टर्स, बेस्ट लीजेंडरी एक्ट्रेस, बेस्ट डिबेटिव रोल, इस तरह के शक्ति कपूर साहब को, भूषण जी को, पद्मिनी कोल्हापुरी जी को और आज के बड़े बड़े सितारे जो हैं उन सब लोगों को ऑनर किया गया यहाँ पर. जैसा आपने देखा, शाहिद मालिया को अवार्ड मिला और साजा फरीदी को मिला. इस तरह के जो बड़े लोग हैं और जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से अपने आप को बड़ा किया है, उनको ऑनर किया गया सब लोगों की मौजूदगी में. जाहिर सी बात है, सरोज जी एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी है और बॉलीवुड को उन्होंने बहुत सारा टाइम अपना दिया है, तो उनका हमने दिल की गहराइयों से वेलकम किया और हमने उनको एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया. उनके साथ साथ उदित नारायण जी को 3 विकेट्स ऑफ द सिनेमा
ऑफ द सक्सेसफुल जर्नी का अवार्ड दिया। और सरोज जी की मौजूदगी, उदित नारायण जी की मौजूदगी, मोहन कुमार साहब की प्रेजेंस सब लोगों को सक्सेस देती है, और आज भी वो सब मौजूद थे, उनकी अवेलेबिलिटी ने हमको भी सक्सेस दिया है आप सब लोगों के साथ की वजह से। दो हजार उन्नीस कई खट्टी मीठी यादों को रखेगा और वो जाना जाएगा। मैं अपने मुल्क के तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी बौद्धिस्टों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि भारत एक गुलदस्ता है और हम सब लोग बहुत जमाने से एक साथ रहते चले आ रहे हैं। राजनीति की जो ब्यार है वो बढ़ती है, कभी जहरीली होती है, कभी अमृत से भरी होती है, उस पर हम लोगों को नहीं जाना है। हम लोग मानवतावादी हैं, भारत एक गुलदस्ता है, इसकी डेमोक्रेसी बहुत प्यारी है, तो उसको हम सब दिल के जैसे रहते चले आ रहे हैं, आगे भी ऐसे रहते रहेंगे, और किसी की भी ऐसी निगेटिव कोशिश होगी हम सब लोगों को नुकसान करने की उसको रिजेक्ट करना चाहिए और रिजेक्ट करेंगे। जाहिर सी बात, आर्ट और कला की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, और जब आर्ट और कला आगे आती है तो नकारात्मक और निगेटिव चीज़ों को वो रिजेक्ट करती है। अभी भी कुछ ऐसा ही है, तो मैं 2020 के लिए सबको हैप्पी न्यू ईयर कहता हूँ, और ये 2020 है, जाहिर सी बात है 2020 शॉर्ट टर्म में एक बेहतरीन गेम है क्रिकेट का, और उसने अपनी छाप छोड़ी है। मुझे लगता है हमारा देश भारत और पूरी दुनिया में 2020 एक कामयाबी का साल होगा, और मैं सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर भी कहना चाहता हूँ टाइफा परिवार की तरफ से। ऐसे और अवार्ड हमारे गुजरात में अगले साल सूरत में करेंगे, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, और खान साहब को खूब खूब बधाई। थैंक यू। मुन भाई आपका बोले आइए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, इट वाज अ गुड इवनिंग फ्रेंड्स, इट वाज अ वेल कंपोज्ड वेरी फैंटास्टिक इवनिंग, ऑल द प्रोग्राम्स वर रियली माइंड ब्लोइंग एंड वी ऑल हैड अ वेरी गुड टाइम ओवर हियर। थैंक यू। 2019 का जो खत्म हुआ बहुत अच्छा रहा, और अगले साल भगवान करे, खुदा करे, गुजरात में इवेंट को बहुत बढ़िया रहेगा, ये भी बढ़िया रहा और वो भी। मैं दुआ करता हूँ कि अगले साल हर फनकार के लिए, हर कलाकार के लिए ठीक होगी, ऐसी मेरी आशा। मैं ये कहूँगा, सबसे पहले मैं शमी भाई का शुक्रगुजार करूँगा, और अपने जो अवार्ड जो देते हैं उसका एक बहुत बड़ा इनक्रेजमेंट है आर्टिस्टों के लिए, और ये जो आर्टिस्ट जो हैं उनको सिर्फ ऑडियंस की तालियों की एक गुंजाइश होती है, और ये बहुत बड़ा स्टेज प्लेटफॉर्म है जहाँ सारे आर्टिस्ट हैं बहुत खुश होते हैं। इप्टा एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है हर एक आर्टिस्ट के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू शमीम भाई जिन्होंने ये मौका सबको दिया। थैंक यू। हाँ जी, 2020 इज द ईयर, दैट मीन्स 2020, और ये क्रिकेट मैच की तरह ही है, फास्ट चलेगा, फास्ट अपनी ज़िंदगी को बनाइए और करियर बनाइए। आई विश ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस। एसोसिएशन जो है पिछले साल से रहा है, और मुझे पिछले साल से अवार्ड से नवाजा गया था, बेस्ट एंटरटेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था रेडियो फील्ड में और बाकी तमाम चीज़ों में, तो आज होस्ट किया है, बड़ा मज़ा आया और बहुत मज़ा आया। मेरे साथ सिमरन थी, तो मस्ती भी की, फन भी किया। अब देखने वाले जब अवार्ड एडिट पे आएगा तो पता चलेगा कि कितनी मस्ती की, कितनी धूम मस्ती की हम लोगों ने। भाई बेस्ट तो हर किसी, जिसको अवार्ड मिलता है बेस्ट ही होता है, यानी अपनी रिस्पेक्टेड फील्ड के अंदर में उन्होंने जो है वाकई बहुत मेहनत करी और काम किया है। लेकिन जहाँ मैं इमोशनल हो गया वो सरोज खान जी का अवार्ड देख करके, वो एक तो अब चलने में तकलीफ होती है उनको, लेकिन आप देखिए कि सरोज खान का जो एक वक्त रहा है, किनको नहीं नचाया, जिनको नचाया वो आज सुपरस्टार्स है, तो आप समझिए उनका औहदा। तो वहाँ पर उदित जी के हाथों जो है उनका अवार्ड दिया गया, तो वो एक इमोशनल मोमेंट था, बहुत इमोशनल मोमेंट था। स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया सरोज जी को, तो मज़ा है, एंजॉय किया। तो तमाम मेरे चाहने वाले वेल विशर्स को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं,
अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार के साथ एकजुट रहिए। आजकल जो है किसी की बातों में मत आ जाइए, उलझ मत जाइए, क्योंकि बाहर का वातावरण जो है वो बहुत डिस्टर्बिंग है। तो थोड़ा अपनों के साथ रहिए, अपनों को बनाकर रखिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, और डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। नया साल आप सभी को बहुत बहुत उसकी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ ऑफ दैट वन जेंटलमैन, मैं उन्हें जीनियस बुलाती हूँ, ही इज़ अ वन मैन शो, मिस्टर शामिम खान एंड द एंटायर क्रू फॉर द वेरी मैग्निफिसेंट एंड स्पेक्टैक्युलर 8th ताइफा अवार्ड्स। और मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मैंने लास्ट ईयर भी इनका 7th ताइफा अवार्ड होस्ट किया था, एंड दिस इज़ द 8th ताइफा अवार्ड विच इज़ एट अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। बहुत मज़ा आया, एंड इतने सारे हमारे लेजेंड्स आए, हमारी बॉलीवुड फ्रेटर्निटी से इतना प्यार मिला, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स ने हमें इतना रिस्पेक्ट दिया, और द फैक्ट दैट दे वर प्रेजेंट इटसेल्फ वाज कमेंडेबल। सो वी ट्रूली थैंक आवर रिस्पेक्टेड ऑनरेबल मिनिस्टर्स, एंड वी ट्रूली थैंक ऑल आवर लेजेंड्स हू वर हियर विद अस, ऑल आवर एस्टीम्ड डिग्नेटरीज फ्रॉम द टेलीविजन एज वेल एज द फिल्म वर्ल्ड, अलॉन्ग विद द बिजनेस टाइकून्स जो पूरे देश भर से आए थे, एंड माई हम्बल थैंक्स टू द फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया, बिकॉज इतना टाइम हो गया, आई मीन आप लोग लगातार 5 घंटे से यहाँ पर है हमारे साथ एट द वेरी प्रेस्टीजियस 8th ताइफा अवार्ड। मैं आप सब लोगों की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दिस वॉज ट्रूली द बिगेस्ट इवेंट ऑफ 2019 एंड सेलिब्रेटेड इन द मैग्निफिसेंट वे, अ सेलिब्रेशन ऑफ हार्ड वर्क एंड अचीवमेंट्स। और काफ़ी सारे रेजोल्यूशंस हमने बनाए हैं यहाँ पर, सभी हमारे लेजेंड से पूछकर दैट व्हाट इज देयर न्यू ईयर रेजोल्यूशन। सो आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी 2020, और हम मिलते हैं एट द 9th ताइफा अवार्ड्स 2020 वेरी सून। वील अनाउंस द डेट्स, क्योंकि इनकी डेट्स 8 महीने पहले से अनाउंस हो जाती है। सो थैंक यू सो मच शामिम खान, इट वॉज ट्रूली माई ऑनर, एंड आई फील कम्प्लीटली ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ द ताइफा अवार्ड्स।